हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिंग विद आरजे। तो ये है इवनिंग की क्लिप और मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। एंड मैं मार्केट जाकर के बहुत सारे काम करने वाली हूँ एंड कुछ डिफरेंट भी शेयर करने वाली हूँ आगे चल के नए वीडियो में। सो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ देखने को ज़रूर मिले एंड अच्छे अच्छे वीडियोज़। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मार्केट में, चौक मार्केट, एंड मैं यहाँ पर आपके साथ जो भी लूँगी वो शेयर करूँगी, बट मैं अपने आउटफिट के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये चौक में ही फैशन एम्पोरियम के नाम से एक शॉप है, अब वहाँ पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ट्रेंडी आउटफिट्स मिलेंगे। एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे आउटफिट्स चेकआउट किए एंड सारे कपड़े बहुत अच्छे थे, क्लोथिंग मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था। एंड मैं यहाँ पर कुछ ड्रेसेस के कपड़े देखने लगी थी, मुझे अपने लिए कुछ आउटफिट डिज़ाइन करवाना है तो मैं उसी के लिए देख रही थी, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एंड अब मैं जा रही हूँ टेलर के यहाँ, तो मुझे अपना आउटफिट बनने को देना था जिसके लिए मैंने कुछ कपड़े लिए थे। एंड मैं आपके साथ न्यू वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने कैसा आउटफिट बनवाया है। सो बेस्ट टेलर फैज़ाबाद का, जैसा आप चाहोगे वैसा बना के देंगे। तो अब मुझे अपने कुछ स्किन केयर का और कुछ कॉस्मेटिक्स के सामान लेने थे, तो मैं उसके लिए अब यहाँ पर जाऊँगी। सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। उसके बाद में हम शर्माज रेस्टोरेंट में आ गए थे खाने पीने के लिए, मैं और मेरी डॉटर। सो अब ये है घर की क्लिप और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेकर के आई। तो ये मैं निविया का शावर जेल लेकर के आई हूँ और ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, एक लोशन, एक कलर बार की नेल पेंट एंड ये एक स्क्रंची एंड वन क्लचर। और ये तो वो कॉस्मेटिक्स आइटम है जो मैं लेकर आई, रेस्ट में क्या आउटफिट बनवा रही हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी एंड नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जब बन जाएगा। ओके, सो ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है और मैं मार्केट से आती हूँ, फिर कहीं भी बाहर से आती हूँ तो मैं फेस को वॉश जरूर कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस मैं अपना नाइट का स्किन केयर भी करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी नाइट स्किन केयर में क्या करती हूँ। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल से पतंजलि के मसाज कर लेती हूँ फेस को ताकि फेस थोड़ा सा हाइड्रेट हो जाए। एंड आपको अपने स्किन को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली समर्स में, क्योंकि स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो भी ज़रूर करिए, मैं आपको लिंक और हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड आप गुड वाइब्स का स्पॉन्सर वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।